वीज़ा एक्सपर्ट्स नमस्कार दोस्तों वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट दोस्तों दुबई का विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि मुझे हाउस मेड्स हो गया जिनका फ्री ऑफ वीज़ा टिकट होता है और उसमें नर्सेज हो गए ठीक है बॉयज़ और फीमेल और बॉयज़ ठीक है दोनों चलेंगे उसमें और पैकिंग हेल्पर हो गए आ, ट्रेड वाले बंदे हो गए शटरिंग कारपेंटर हो गए मैंसन हो गए प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन रिगर जो भी ट्रेड वाले बंदे हैं और अन ट्रेड जो हैं जैसे कि कोई हेल्पर का काम करता है क्लीनर हो गए मुझे क्लीनर की ज़रूरत है और डिटेल आपको सारी बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से कितनी सैलरी होगी कौन से वर्कर हैं तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में दुबई का विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है दुबई का वीज़ा चालू हो गया ठीक है फ्लाइट्स अभी शुरू हो गई हैं तो प्रॉपरली बंदे जाने शुरू हो गए हैं तो दुबई का विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों यहाँ से विज़िट वीज़ा होता है वहाँ जाके उसको दो साल का एम्प्लॉयमेंट आपका चेंज हो जाता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाउस मेड हो गई जो कि वहाँ फैमिलीज़ के लिए हाउस मेड की ज़रूरत होती है ठीक है आ, जो उनकी सैलरी होती है देखिए दोस्तों हजार थाउजेंड टू ट्वेल्व के बीच में होती है यानी बीस बाईस हज़ार इतनी सैलरी उनकी होती है फूड अकोमोडेशन उनको मिल जाता है इनका कोई यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कोई वीज़ा कोई टिकट नहीं होता है और सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ठीक है और मेल नर्स और फीमेल नर्सिस चाहिए हमें जो कि हमारे रिसेंट अभी बंदे गए हैं हॉस्पिटल्स के लिए ठीक है कोई भी अगर एक्सपीरियंस है जिनको हॉस्पिटलिटी का और उन्होंने किया हुआ है कोर्स वगैरह तो आपको नर्स की भी जॉब मिल सकती है और कोई अगर वाइट कॉलर जॉब चाहता है वो भी प्रोवाइड हो जाएगी बट अकॉर्डिंग टू तो एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए पूरा प्रॉपरली इंग्लिश उसकी आनी चाहिए हेल्पर पैकिंग हेल्पर हो गए क्लीनर हो गए और सैलरीज जो होती हैं दोस्तों देखिए क्लीनर की जो सैलरी है वो तेरह सौ भी जो मेरे पास चल रही है डिमांड उसकी जो सैलरी है तेरह सौ ऑन फूड है और अकोमोडेशन प्रोवाइड है उसमें देखिए दोस्तों दो साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है ठीक है बहुत अच्छी जॉब है क्लीनर की जॉब है कंपनी है रेपुडेटेड कंपनी है और उसकी फार्म्स हैं वहाँ पे आपको क्लीनिंग करनी है तो उसके बाद दोस्तों किचन हेल्पर हो गए होटल लाइन में किसी को वेटर का काम आता है और ट्रेड वाले बंदे हो गए जिन्होंने मेंशन है कोई कारपेंटर है इनकी भी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है बारह सौ तेरह सौ ठीक है कोई रिटर्न है उसकी चौदह पंद्रह सौ अकॉर्डिंग टू तो एक्सपीरियंस काम के डिपेंड होता है ऊपर आपको काम अगर अच्छा आता है तो अच्छी सैलरी मिल जाती है नहीं तो नॉर्मली जो हज़ार बारह सौ तेरह सौ इतनी है आपको सैलरी मिल जाती है द्राम ठीक है तो उसके बाद दोस्तों काफ़ी तरह की ऐसी जॉब्स हैं ठीक है मेरे पास एयरपोर्ट लोडर हो गए एयरक्राफ्ट क्लीनर हो गए तो ये जॉब्स चलती रहती हैं जिनके पास डी पी सिरा है वो सिक्योरिटी गार्ड भी जा सकते हैं फ्रेशर भी जा सकते हैं बट उनकी सैलरी बहुत कम होती है बारह सौ तेरह सौ जिनके पास डी पी सिरा होता है वो अठारह सौ बाईस सौ तेईस सौ इतनी उनकी सैलरी लगती है क्योंकि उन्होंने टेस्ट पास किया होता है तो मेनली ये जो होते हैं टेस्ट वो होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बाकी दुबई में आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है आ, वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको हमारी खुद की कंपनी है दुबई में तो कोई भी अगर दुबई में किसी भी तरह का काम आ, ज, आ, करना चाहता है चाहे वो पैकिंग का हो चाहे वो हेल्पर का हो आ, क्लीनर का हो वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं और दुबई के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया ज़्यादा जानकारी के लिए आप और व्हाट्सएप कर सकते हो बाकी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग